स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज ही हमारा 13.1 एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम आखिरी के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 आइए पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर इज अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर, हाइट हम देख सकते हैं 2.4 है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, और उसमें से एक ये कोन जो है वो हॉलो आउट करके इसको यहाँ से निकाल दिया गया है। तो ऑब्वियसली अब हमको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो हमारे सामने है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर एज वेल एज कोन, सिलेंडर का भी और कोन का भी डायमीटर है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। सो द रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बोथ कोन एंड सिलेंडर, हाइट ऑफ फर्स्ट अब वी टेक सिलेंडर, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि स्टूडेंट बात यहाँ पे सरफेस एरिया की चल रही है, तो ज़रूर हमें स्लेंट हाइट की ज़रूरत होगी सिलेंडर की। तो एल, एल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है स्लेंट हाइट का, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस है हमारे पास 0.7, राइट, एंड देन हाइट इज 2.4 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है 49, सो दिस विल बी 0.49, 24 का स्क्वायर 576, सो दिस विल बी 5.76, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.25। अब 6.25, 6625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो ये किसका, इसका स्क्वायर रूट होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो आइए देख लेते हैं इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसमें हम ऐड कर देंगे इस कोन के सरफेस एरिया को, बिकॉज क्योंकि ये हॉलो आउट किया गया है तो नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ सिलेंडर। अब उसका जो सरफेस एरिया है वो हमारे सॉलिड का पार्ट है, आउटर पार्ट है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और क्योंकि इसका हमको पता है कि दो बेस होते हैं इसके, और ऊपर वाला जो टॉप है दो सर्कुलर बेस में से एक को हॉल आउट किया गया, तो हम उसका एरिया माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस। फॉर्मूले आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr, r प्लस एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl, एंड एरिया ऑफ बेस आपको पता है दैट इज πr स्क्वायर, राइट। वी कैन टेक पाई कॉमन, पाई एंड आर ऑल्सो वी कैन टेक कॉमन इन ऑल द टर्म्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2r प्लस एच प्लस एल माइनस आर, राइट। सो नाउ वी पुट द वैल्यू 22/7, रेडियस इज 0.7, 2 इंटू 0.7 प्लस 2.4 प्लस एल का वैल्यू हमने अभी भी निकाला है 2.5 माइनस 0.7। नाउ दिस गेट कैंसल, तो हो जाएगा 2.2, 0.7 और 2.4 को ऐड कर देते हैं, दैट इज 3.1, और यहाँ पे एज इट इज है 2.2, 2 इंटू 3.1 विल बी 6.2, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2.2
और ये ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। एंड नाउ इफ वी मल्टीप्लाई 8 टू 2.2 को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इन इट्स बेस ऑफ रेडियस इज 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों ऊपर दोनों बेसेस जो सर्कुलर बेसेस है वहाँ से हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या किया गया है, वहाँ से कट करके रिमूव किया गया है, स्कूपिंग आउट इसको हम बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। सो अगर हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, राइट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, सो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, देखिए यहाँ पे दो हेमिस्फेयर है, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है 2πRh, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है इसकी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πR2, ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख सकते हैं 2πR कॉमन है, h प्लस 2R है ना, ये यहाँ पे अंदर बच जाएगा। 2 × 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस है हमारे पास 3.5, हाइट 10, अगेन हमारे पास रेडियस की वैल्यू यहाँ पे हम 3.5 पुट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, 7 × 1 = 7, 5 = 0.5, 44 × 0.5, और यहाँ पे हो जाएगा 10 + 7। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 44 × 0.5 × 17, सो आंसर होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमारे पास आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्राची फाउंडेशन के वीडियोस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए।